जगन्नाथपुरी मंदिर भारत की धरती पर बसा एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में इतने सारे रहस्य समेटे हुए है कि विज्ञान के लिए भी इन्हें समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इन रहस्यों की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर के हैरानी होगी कि अंग्रेजी भाषा का एक शब्द जगरनॉट भगवान श्री जगन्नाथ से लिया गया है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया ये शब्द भगवान जगन्नाथ की महिमा को कलंकित करता है। इस शब्द का उपयोग अंग्रेज ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए करते थे जो कि अनियंत्रित हो या जो विनाशकारी हो। शराबी व्यक्ति के लिए भी जगरनॉट शब्द उपयोग होता था। आज के समय भी किसी अनियंत्रित मशीन या रथ के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। इस पर तो एक कैरेक्टर भी बनाया गया है जिसका नाम जगरनॉट है। इसकी पावर्स ही यह है कि जब ये दौड़ता है तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता और इसके सामने आने वाला व्यक्ति कुचला जाता है। जाहिर सी बात है कि इन सब की तुलना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से की जा रही है और इसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे ये यात्रा अनियंत्रित और विनाशकारी होती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा का महत्व तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने सच्चे हृदय से भगवान जगन्नाथ को अपना माना है। आज भले ही समय बदल रहा है और पूरी दुनिया में भारत को इज्जत की नज़रों से देखा जा रहा है, लेकिन एक समय था जब भारत को बदनाम करने की ऐसी कोशिशें की जाती थी। किसी महान चीज़ को दुनिया से छिपाने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ इन सबसे परे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान जगन्नाथ के उन रहस्यों के बारे में जिनसे घबराकर उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की गई। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के रूप में अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भारत के पूर्वी घाट में स्थित इस मंदिर में विराजे भगवान के चरणों के चरणामृत को पीने के लिए खुद हिंद महासागर भी ललायत रहता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंद महासागर की लहरों की आवाज़ इस मंदिर के द्वार के अंदर एक कदम रखते ही बंद हो जाती है। इतना विशाल महासागर भी भगवान के दरबार में शांत रहता है। इस मंदिर का निर्माण गंगवंशीय राजा अनंत वर्मन ने करवाया था। कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए आक्रमणों के बावजूद आज भी ये मंदिर शान से खड़ा है। चार धामों में गिने जाने वाले इस मंदिर का गुंबद 214 फीट ऊंचा है। अब इसे विज्ञान कहें या चमत्कार, लेकिन इतने विशाल गुंबद की परछाई बनती ही नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसी गुंबद में एक और रहस्य है और वह यह है कि इस पर लगा अष्टधातु निर्मित चक्र जिसे नीर चक्र भी कहते हैं, आप इसे चाहे किसी भी दिशा से देखें इसका मुंह सदैव आपकी ओर ही नजर आता है। वास्तुकला का इससे शानदार उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसी चक्र की शोभा बढ़ाने वाला ध्वज हमेशा हवा को चीरता हुआ हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हवा सामान्य है या तूफानी। इस ध्वज की खासियत ये भी है कि इसे हर रोज बदला जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी दिन इसे बदला नहीं गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मंदिर नो फ्लाइंग जोन में आता है, मतलब मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। लेकिन इस बात का पालन पक्षी भी करते हैं क्योंकि आज तक इसके ऊपर से उड़ता हुआ कोई पक्षी नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि कोई भी पक्षी इसके गुंबद के ऊपर बैठता तक नहीं है। इन सब के अलावा ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जिस दिन इसके गुंबद पर कोई गिद्ध पक्षी बैठा हुआ दिखाई दिया उसी दिन से समझ लीजिएगा कि इस धरती का विनाश शुरू हो चुका है। आइए हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं। वैसे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप जब भी कभी जगन्नाथपुरी मंदिर जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें। भक्तों को बांटा जाने वाला प्रसाद मंदिर की रसोई में मिट्टी के 7 बड़े बड़े पात्रों में भरकर बनाया जाता है जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाते हैं। इस प्रसाद की विशेषता यह भी है कि भक्तों की संख्या चाहे कितनी भी हो लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और मंदिर के पट बंद होते होते प्रसाद भी पूरा खत्म हो चुका होता है, अर्थात यहाँ भोजन कभी भी बेकार नहीं जाता है। आइए चलते हैं उस चमत्कार की तरफ जो सीधे सीधे मंदिर की मूर्तियों से जुड़ा है। मंदिर की मूर्तियों को हर 8, 12 या 19 सालों में बदला जाता है। पिछली बार ये कार्य 15 जून 2015 को किया गया था, उससे पहले सन 1996 में किया गया था। मंदिर की मूर्तियों को
पत्थर से ना बनाकर नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया को नवकालेवारा या नवकालेवर कहा जाता है। जिस दिन मूर्तियां बदली जानी होती है उस दिन सारे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर CRPF का पहरा लगाया जाता है और प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी भी आम व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। मूर्ति बदलने का कार्य भी केवल एक खास पुजारी करते हैं। लेकिन इन सबके पीछे आखिर कारण क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि पुरानी मूर्ति में से एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, इसे निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। असल में महाभारत युद्ध के बाद सोमनाथ, जो कि वर्तमान में गुजरात में है, इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। और जब उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर तो जल गया लेकिन उनका हृदय नहीं जल पाया, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय था। इसके बाद ये हृदय समुद्र के पानी से बहता हुआ सोमनाथ से पूरी आ पहुँचा। जब यहाँ के लोगों को ये पता लगा कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, तो इसे सम्मानपूर्वक मूर्ति में रखवाया जाना निश्चित किया गया। लेकिन इस हृदय से लगातार ऊर्जा निकल रही थी, इसलिए पत्थर या धातु की मूर्ति न बनाकर लकड़ी की मूर्ति बनाई गई। तब से आज तक मूर्ति समय समय पर बदली जाती है। किसी को भी उस ब्रह्म पदार्थ को देखने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ लगाएगा या उसे देखेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस कार्य को करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे उस ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान के हृदय का स्पर्श महसूस न कर सकें। और इसके अलावा पुरानी वाली मूर्तियों को कोयली बैकुंठा नामक स्थान पर धरती के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जो कि रहस्यों से भरी हुई प्रक्रिया है और आज तक इन प्रक्रियाओं और इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि शायद ये सभी विज्ञान की सीमा से पार हैं। लेकिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मंदिर से जुड़े इन रहस्यों के कारण यहाँ नहीं आते हैं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के प्रति उनके प्रेम की तड़प उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। इस प्रकार माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का हृदय आज भी साक्षात रूप में दुनिया में धड़क रहा है और ये मंदिर पूरी दुनिया में अपनी महानता के कारण प्रसिद्ध है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालु घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसी मंदिर के बारे में ये शब्द जगरनॉट आखिर क्यों गढ़ा गया। देखिए, जब हिंदुस्तान गुलामी के दौर से गुजर रहा था तब उस समय अंग्रेजों ने जगन्नाथपुरी मंदिर को देखा और इसके रहस्यों के बारे में जाना तो वे आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उनके लिए इस बात को पचा पाना मुश्किल हो रहा था कि ये गुलाम देश में आखिर ऐसा मंदिर कैसे हो सकता है। आते दुनिया से भारत की इस महान रचना को छिपाने के लिए अंग्रेजों ने ये साजिश रची। लेकिन आसमान में बादलों के छा जाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। आज पूरी दुनिया इस मंदिर के बारे में जान रही है। वीडियो की शुरुआत में कही गई एक लाइन कि किसी महान चीज़ को छिपाने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है का अर्थ अब आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।